मैं तो माँ हूँ। ये क्लेश मेरी मम्मी के है। वो कहती थी कि जब कभी साफ साफ ना दिखाई दे ना तो इन्हें पहन लेना। आज जरूरत सी लगी तो बस। पता नहीं क्यों आज इमोशनल सी हो रही हूँ। वो होता है ना कि आप कुछ फील कर रहे होते हो और एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हो वो समझ नहीं आता। मेरा दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। क्या सही है मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। बहुत मुश्किल हो रहा है। आज अगर माँ होती तो आसान हो जाता ना। क्या हुआ काकुड़ी? लगाना तीर निशाने पर जैसे सोचा था वैसा ही हुआ कि नहीं? ऐसा ही हुआ, लेकिन इस तीर ने तो जख्म कर दिया चिनू के मन में। रोहन की माँ बनने के जिद में मैं इतनी मशगूल हो गई कि मैंने चिनू के बारे में नहीं सोचा। अनाथ कर दिया उसको मैंने। ये तो क्या कह रही है बेटा? सही कह रही हूँ मासी। एक तो बिन माँ की बच्ची है, उसके पापा उसके मन की बात नहीं समझते। जिससे प्यार किया उसने तो बहुत निराश किया है रोहन। और बच्चे हम भी तो खेल खेल रहे हैं ना उसके साथ मासी, झूठ बोल रहे हैं उससे। रोहन और चिनू को साथ लाने की जिद में हमने उससे अकेला छोड़ दिया मासी। दोनों घरों के दबाव में आकर वो तो और अकेली पड़ गई और परेशान हो गई। ये तो ठीक नहीं है मासी। अब समझ में आ रहा है कुछ काकुड़ी? तू ये क्या कर रही है? बार बार ऐसे विचार नहीं बदलते हैं, कभी कभी ऐसा सब करना पड़ता है। इंसान को कभी स्वार्थी बनना पड़ता है। हाँ मासी, लेकिन ऐसा कैसा स्वार्थ जो किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे? ये तो गलत है मासी। ये सब तुम लोग रोहन के लिए कर रहे हैं ना, हैं? तू कैसी माँ है काकुड़ी? एक ऐसी माँ जिसको सिर्फ एक बच्चे का नहीं सारे बच्चों का ख्याल है। रोहन और चीनू को एक साथ एक ही छत के नीचे लाने की जिम्मेदारी थी हमारी, जो पूरी की अपनी। इससे आगे उन दोनों का भाग्य और माताजी की मर्जी। अब मासी कोई खेल नहीं, कोई खिलवाड़ नहीं खेलूंगी मैं चीनू के साथ बस। तो ठीक है, तू ख्याल रख अपनी बेटी का। रोहन मेरा भी तो बेटा है ना, मैं उसका ख्याल रखूंगी। लेकिन काकू, तू ना रोहन को कुछ नहीं बताएगी। फिर देखते हैं किसका तरीका सही है और किसका गलत, वो तो समय ही बताएगा। उसके दिल में मैं हूं और सिर्फ मैं। उसने अपने कान बंद कर लिए ताकि वो अपने दिल की आवाज ना सुन सके। लेकिन आप तो सब देख सकती है ना, फिर आप मेरे अगेंस्ट क्यों जा रही है? नहीं, मैं नहीं गया तो उसके पीछे जब वो नाराज होके गई थी। आपने मुझसे कहा था कि जाओ उसे पीछे, जाओ उसे वापस लेके। आप जाइए, आप जाइए और निभाइए अपना दर।
क्या है कि जब से मैं इधर आई हूँ ना, तब से तुझे देखती हूँ, बहुत अच्छी लगी है तू मुझे, छोटी सी, नन्ही सी, प्यारी सी, अच्छी लगी, पसंद आई मुझे। तुझे अक्सर पसंद है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे ये सब बातें करी क्यों रही हैं। दो मिनट, सिर्फ दो मिनट लगे मुझे ये समझने में कि छोटी सी, नन्ही सी, प्यारी सी लड़की कोने में चुपचाप क्यों खड़ी है और किसके सामने ताक रही है, और क्यों वो अब जाकर अपनी बहन के मेहंदी का कटोरा ऐसे पलट देती है, और जब अपने बहन के होने वाले पति के साथ ऐसे नाचती है ना, तभी ऐसे उसकी आंखों में देखती है जैसे काजोल ऐसे शाहरुख की आंखों में आंखें डालकर देखती है। क्या है कि ये केसर मासी बाकी नजरों से कुछ नहीं छुपता है, न प्यार छुपता है न उदासी। क्या है कि मुझे छोटी सी नन्ही सी प्यारी बच्ची की मदद करनी है। बोल, पसंद है तुझे अक्षय? हाँ, बहुत। तो बता देना अपने अप्पा को कि अक्षय तुझे पसंद है, करवा देंगे तेरी सगाई उससे। अप्पा सब जानते हैं, लेकिन उन्हें अक्षय सिर्फ चीनों के लिए चाहिए, और उससे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अक्षय को भी मीनू नहीं चाहिए, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, और मैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे अक्षय नहीं मिला ना, तो मैं शायद मर जाऊंगी। तो मर जा। ये क्या कह रही हैं आप? क्यों, प्यार में लोग जान नहीं देते? मैं अपनी जान दे दूं? Are you mad? अरे नहीं रे छोकरी, सच्ची मुच्ची नहीं, खोटे खोटे। इससे क्या होगा कि सगाई रुक जाएगी और अक्षय को भी पता चल जाएगा कि तू उससे कितना प्यार करती है, और फिर वो हाँ कह देगा। बोल, देगी अपनी जान? हाँ, दूंगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.